अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और इस वक्त मेरे सामने की तरफ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है काना खाचा ब्रिज। काना खाचा लाहौर के मज़ाफात में कंसिडर किया जाता था और अब जो है ये लाहौर शहर का ही पार्ट है। तो यहाँ पर स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इस सेक्शन पर CBI सिस्टम जब से इंस्टॉल हुआ है तो स्टेशन को अबेंडन कर दिया गया। यहाँ पर कोई ऑपरेशनल वर्किंग अब नहीं होती। अबेंडन स्टेशन है, 10 साल से ज़्यादा हो गया तकरीबन इस स्टेशन पे कोई भी किस भी किस्म की वर्किंग नहीं होती। तो आज मैं मौजूद हूँ काना खाचा पर और इंशाल्लाह ताला आज यहाँ पर जो फास्ट ट्रेन्स गुजरती हैं उनको कवर करेंगे। लाहौर के रेल फैंस का एक पसंदीदा पॉइंट है, तो स्पॉट है, तो इसीलिए हम जो है वो आज यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह यहाँ से सुपर फास्ट ट्रेन्स कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। तो रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। अब जाहिर है लाहौर अपना शहर तो है नहीं कि फटपड़ी निकाली, केक मारी और पहुंच गए। अरे लाहौर की मेट्रो का तो पता ही होगा, कब काम आएगी ये चाइनीज ट्रेन। बहरहाल नो डाउट मेट्रो का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा। एसी तो बड़ा ही वेल मेंटेन्ड है यार। इस शदीद गर्मी में एसी के मज़े लेते हुए हमने बहुत ही पुरसकून सफ़र किया इस ट्रेन में और बहुत जल्द अली टाउन रेलवे स्टेशन आ गया जहाँ हमें उतरना था। चलें जी अब एग्जिट करते हैं यहाँ से। ये है जनाब लाहौर का अली टाउन और यहाँ पर हो चुका है हमारे सफ़र का अख्तितम। अलीपुर रेलवे स्टेशन से भोपतिया चौक तक जाने के लिए हमने लाहौर की मशहूर स्पीडो बस सर्विस का इस्तेमाल किया। भोपतिया चौक से सुजुकी ऑल्टो में हम काना खाचा फ्लाईओवर के पास पहुँचे। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ काना खाचा रेलवे स्टेशन के करीब और ये है जनाब काना खाचा का ब्रिज। इस वक्त आप लोग जो मनाजिर देख रहे हैं सामने से आ रही है 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस GEU 40 9026 लोकोमोटिव के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त विस्लिंग के साथ 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस नाइन ज़ीरो टू सिक्स शानदार रफ्तार के साथ गुजर चुकी है इस वक्त 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस काना खाचा ब्रिज के पास से। ये है जनाब काना खाचा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और इस वक्त हम लोग काना खाचा स्टेशन पहुंच चुके हैं। बिल्डिंग थोड़ी सी देख लेते हैं अंदर से किस तरह की नज़र आती है। ये कोई साहब अपना गैराज समझ बैठे हैं और यहाँ ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर एक टिकट विंडो मौजूद है, टिकट घर, किराया नामा भी यहाँ पर लगा हुआ है एक, और यहाँ पर मेरे ख्याल स्टेशन मास्टर का दफ्तर होगा जो कि इस वक्त बहुत ही गंदी हालत में है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टाइम टेबल मौजूद हैं, अब गाड़ी लाहौर को आमद रवानगी, डाउन गाड़ी कराची को। तो यहाँ पर मेरे ख्याल कुछ ट्रेन रुका भी करती थी। और ये देखे जनाब ये कुछ हालात हैं अब इसके, ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पर एक बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ फूल भी यहाँ पर लगे हुए हैं और बाकी बहुत ही हसीन मेरे ख्याल ये पीपल है और पीपल के दरख्त इस प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं आप लोग देख रहे हैं। बाकी कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और बिल्कुल ही कट ऑफ इलाका है ये।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं काना काछा रेलवे स्टेशन पर, और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हम कुछ समोसे ले आए और अब खाने लगे हैं। हैदर साहब शुरू करें। शुरू करते हैं। चटनी तो लगाओ। कैसा लगा? ज़बरदस्त। सही है। दोस्तों, 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है इस वक्त काना काछा रेलवे स्टेशन पर। हम अभी यहाँ पर समोसे खा रहे थे, खाने ही लगे थे बल्कि। नहायत ही शानदार रफ्तार के साथ गुजर गई है 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस काना काछा रेलवे स्टेशन से। ये मीठी चटनी और उसके साथ रायता। रायता जबरदस्त। तो चलें हम भी ट्राई करते हैं इसको। काना काछा रेलवे स्टेशन की अबेंडन बिल्डिंग का बैक साइड व्यू कुछ इस तरीके का है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त काना काछा रेलवे स्टेशन पर। गर्मी थोड़ी है मगर स्टेशन पर हवा चल रही है तो पसीने नहीं बह रहे जिस तरह कराची में ह्यूमिडिटी के 22 बहते हैं। टेम्परेचर कराची में इतना नहीं होता, 37-36 के करीब होता है, मगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना बहता रहता है जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। तो ये चीज़ पंजाब के मैंने किसी भी शहर में नहीं देखी। कराची में सिर्फ ये समंदर की वजह से होता है, जहाँ समंदर फ़ायदेमंद है गर्मी में हवा चलती रहती है तो ये एक उसका डिसएडवांटेज भी है गर्मी में। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और काना काछा रेलवे स्टेशन के ऊपर डाउन फ्रेट ट्रेन अप्रोच कर रही है GEU-40 लोकोमोटिव के साथ। मध्यम रफ्तार में काना काछा रेलवे स्टेशन से गुजर गई है फ्रेट ट्रेन GEU-40 लोकोमोटिव के साथ। दोस्तों, 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस वक्त अप्रोच कर रही है काना काछा रेलवे स्टेशन के ऊपर। GEU-40 9027 इसकी लीड पर लगा हुआ है। किंग ऑफ ऑल ट्रेन्स। नहायत ही शानदार रफ्तार के साथ 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस निकल गई है लाहौर के लिए। तो दोस्तों, काना काछा रेलवे स्टेशन का व्लॉग हमारा यहीं तक था क्योंकि बाकी जो डाउन ट्रेन्स हैं, अप ट्रेन्स हैं, वो सब लेट हैं और जिसकी वजह से बस यहीं तक रहेगा हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको काना काछा से गुजरने वाली ये फास्ट ट्रेन्स पसंद आई होंगी, इनकी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग, किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।